20 नवंबर से कतर में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। तमाम कंट्रोवर्सीज के बीच फाइनली फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 92 इयर्स की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वॉचिंग गुड रिटर्न्स। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप से कतर का क्या फायदा होगा, होस्ट कंट्री कतर ने इस वर्ल्ड कप के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितनी स्पेंडिंग्स की है और आगे उसके लिए क्या बेनिफिट इससे हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखिए, लेकिन उससे पहले डू सब्सक्राइब अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। 2010 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की बिड जीत ली थी। ऐसा कहा जा रहा है कि 2018 में रशिया ने जितना स्पेंड किया था फीफा वर्ल्ड कप पर, उससे 15 टाइम्स ज़्यादा खर्चा कतर ने इस 2022 के फीफा वर्ल्ड कप पर किया है। अगर आप लास्ट कुछ फीफा वर्ल्ड की स्पेंडिंग्स पर नज़र डालेंगे तो 1994 के फीफा वर्ल्ड कप में $500 मिलियन का खर्च आया था, 1998 में $2.3 बिलियन का, 2002 में $7 बिलियन, 2006 में $4.3 बिलियन, 2010 में $3.6 बिलियन, 2014 में $15 बिलियन, 2018 में $11.6 बिलियन और इस बार कतर की तरफ से $229 बिलियन यानी 17 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग्स की गई है। ऐसा क्या है जो इस बार इतना ज़्यादा खर्च किया गया? देखिए, इन 12 सालों में कतर ने 8 स्टेडियम, जिनमें से 7 नए और 1 को रिफर्बिश कराया है। गेस्ट के रुकने के लिए होटल्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स अपग्रेडेशन, नई रेलवे लाइंस बिछाने एटसेट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया गया है। इसके अलावा कतर में जून एंड जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वर्ल्ड कप को विंटर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। स्टेडियम को ठंडा रखने के लिए कतर ने एडवांस्ड एयर कंडीशनिंग कूलिंग सिस्टम खरीदे हैं। साथ ही स्टेडियम की जो स्पेशल ग्रास जो होती है वो अमेरिका से खरीदी गई है। कतर ने 2017 में यूरोप की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी से 24 फाइटर जेट्स, 9 एडवांस्ड हॉक MK-167 ट्रेनिंग जेट 65,000 करोड़ रुपए में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके अलावा ब्रिटेन से उनकी 2012 ओलंपिक वाली स्पेशल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी मांगी। कतर का नेशनल सिक्योरिटी सेंटर ड्रोन CCTV एंड सेंसर के जरिए देश को सर्विलांस करेगा। कतर फीफा वर्ल्ड कप के लिए 20,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जुड़े हैं, तो इनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो प्लेयर्स हैं उनके लिए स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, स्पा, फिटनेस सेंटर, वाटर एडवेंचर पार्क, स्कूबा डाइविंग एंड गो कार्ट की व्यवस्था की गई, तो इन सारी चीज़ों में ये पूरा खर्चा किया गया है। देखिए, यूजुअली ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड कप से होस्ट कंट्री को काफ़ी कमाई होती है, लेकिन सच बात ये है कि होस्ट कंट्री से कहीं ज़्यादा सुप्रीम बॉडी ऑफ फुटबॉल यानी फीफा को मुनाफा होता है। इस बार भी कतर को फाइनेंशियली ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन फीफा को 5.31 ट्रिलियन रुपीज़ की कमाई हो सकती है। वहीं कतर को 1.27 लाख करोड़ रुपीज़ की कमाई होने का एस्टीमेट लगाया गया है। बट फिनेंशियली ज़्यादा बेनिफिट भले ही ना हो, लेकिन इन फ्यूचर होस्ट कंट्री को काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आगे इन्वेस्टमेंट के रास्ते ओपन हो जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान टीमों को प्राइज मनी देती है, जबकि जो होस्ट कंट्री होती है वो टीम्स और उनके कोचिंग स्टाफ का ट्रैवल एक्सपेंस और उनके ठहरने का अकोमोडेशन का खर्चा देता है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप के बाद उस देश में फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए अपने मुनाफे से कुछ फीसदी राशि भी देता है। आपको थोड़ा टूर्नामेंट की होस्टिंग का मैथ्स भी आपको समझा देते हैं। देखिए, ट्रिलियंस में पैसा खर्च करती है कोई भी, जब होस्ट कंट्री होती है वो बहुत बड़ी अमाउंट को स्पेंड करती है वर्ल्ड कप के लिए, बावजूद इस बात के कि उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन इस तरह के इवेंट से उस कंट्री की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो वर्ल्ड के सामने आती है, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ जाता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री के भी फ्यूचर में काम आता है, प्लस यहाँ दूसरे देश बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कंट्री को मजबूत मानते हैं। वहीं अगर होस्टिंग कंट्री एक अच्छी स्ट्रैटेजी से काम करे तो उनकी इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। फ्यूचर में बड़े टूर्नामेंट्स के लिए वो कंट्री दावेदार बन जाती है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप में 13 लाख लोगों के कतर आने की उम्मीद है। ऑर्गेनाइजर्स का ये मानना है कि अगर कोई वर्ल्ड कप फैन 4 दिन तक कतर में रुकता है तो मैच के लिए जिसका खर्चा है वो करीब $300 होगा, यानी कि $24,519 का उसका खर्चा होगा। तो इस तरह से भी कतर को कमाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के इनकम और एक्सपेंडिचर पर अब एक नज़र डाल लेते हैं।
5.31 ट्रिलियन रुपीस की फीफा की कमाई होगी। 1.27 लाख करोड़ रुपीस का फायदा कतर को हो सकता है। 229 बिलियन डॉलर कतर ने होस्टिंग में स्पेंड किए हैं। 8175 लाख करोड़ रुपीस कतर ने सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च किए हैं। 30 लाख टिकट्स विश्व कप के लिए अब तक करीब बिक चुके हैं। 40.83 बिलियन रुपीस की जो टिकट से कमाई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 35.96 बिलियन रुपीस टूर्नामेंट की कुल इनाम राशि रखी गई है। 3.59 बिलियन रुपीस मिलेंगे चैंपियन बनने वाली टीम को। तो ये पूरा हिसाब किताब था, पूरा हमने आपको ये बताया है कि कतर को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर, कतर ने कितनी स्पेंडिंग्स की है, जो लास्ट हमारे टूर्नामेंट्स रहे थे फीफा वर्ल्ड कप के उनमें कितना क्या जो स्पेंडिंग्स थी वो की गई थी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट येस, आप गुड रिटर्न्स को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।